मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोक स्टूडियो से शोहरत पाने वाले गुलकार आसिम अज़हर ज्यादातर अदाकारा हानिया अमर से ताल्लुकात की वजह से खबरों की जीनत बने रहते हैं और समाजी राबते के वेबसाइट्स पर दोनों की दोस्ती के चर्चे भी हैं, जबकि दोनों को एवार्ड तकरीबात के अलावा दीगर मुख्तलिफ मुकामात पर भी मुतअद्दद बार एक साथ देखा गया। और इस हवाले से गुलकार खुद ये एतराफ़ कर चुके हैं कि हानिया अमर मेरी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियों का बायस हैं। आसिम अज़हर आजकल लाइव कंसर्ट करने में मसरूफ़ हैं। कंसर्ट के दौरान आसिम अज़हर जब स्टेज पर गाना गा रहे थे तो किसी ने इनकी जानब जूता उछाल दिया, जिससे वो महफूज तो रहे, ताहम वहाँ मौजूद मद्दाहों ने वाकये की वीडियो बना डाली। आसिम अज़हर पर जूता फेंकने की वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जबकि आसिम के मद्दाहों की जानब से नाराज़गी और गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है। हमें फनकारों की इज्जत करनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब वो अपने काम के जरिए मुल्क का नाम रोशन करने में मसरूफ़ हो, लेकिन ये एक इंतहाई घटिया तरीका है कि फनकार जो भी है वो एक अपना काम कर रहे उस पर जूता उछालना बिला वजह। किसी भी बंदे पर ऐसे सरेआम उसको जलील नहीं करना चाहिए। वो जूता उसको लगा नहीं, उसके पीछे जो गिटार वाला बंदा था उसको लगा, लेकिन आसिम अज़हर को ही मारा गया था। लेकिन ऐसा क्यों, उस बंदे ने किसी का क्या बिगाड़ दिया जो इसको इस तरह, तो कोई पॉलिटिशियन भी नहीं है। पॉलिटिशियन पर ऐसे बहुत आप देखने को वाकयात मिलते हैं कि क्या कुछ गिराया जाता है, लेकिन ये एक इंतहाई जिसे आप कह लें कि घटिया हरकत थी कि लाइव ऐसे किसी स्टार पर अपने मुल्क की इज्जत को ख़राब करने वाली चीज़ होती है। खैर, आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें अपनी राय का इजहार कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।